एक शादी जिसमें बाराती तो कम होंगे लेकिन पुलिस की मौजूदगी ज्यादा होगी। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, स्वाट दस्ता, क्राइम ब्रांच, स्थानीय पुलिस, तीसरी बटालियन, हरियाणा पुलिस की CIA, राजस्थान पुलिस और NIA के अधिकारियों की नजर इस शादी पर है, क्योंकि ये शादी कोई आम शादी नहीं बल्कि गैंगस्टर और लेडी डॉन की शादी है, काला जठेड़ी और अनुराधा। अभी दोनों कौन है और कैसे अपराधियों की शादी पुलिस सुरक्षा के बीच हो रही है, चलिए बताते हैं सब कुछ आज की इस क्राइम रिपोर्ट में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा, आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। सबसे पहले तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस गैंगस्टर की हम बात कर रहे हैं वो काला जठेड़ी पहले केबल ऑपरेटर संदीप हुआ करता था, और जिस लेडी डॉन की हम बात करने वाले हैं वो अनुराधा MBA की छात्रा थी। लेकिन दोनों की कहानी इतनी फिल्मी है कि शायद ही दोनों ने कभी सोचा होगा कि जब इनकी शादी होगी तो ऐसे पुलिस की चौकसी के बीच दोनों फेरे लेंगे। साल 2021 की बात है जब राजधानी दिल्ली और हरियाणा सहित आधा दर्जन राज्यों की पुलिस ने राहत की सांस ली थी। वजह थी 7 लाख के इनामी मोस्ट वांटेड बदमाश संदीप काला उर्फ काला जठेड़ी की गिरफ्तारी। लंबे वक्त से जरायम की दुनिया में एक्टिव रहने वाला काला जठेड़ी का नाम दिल्ली में हुई पहलवान सागर धनकर की हत्या के बाद अचानक से सुर्खियों में आया था। जेल में बंद सुशील कुमार ने भी जठेड़ी से जान को खतरा बताया था। हरियाणा के सोनीपत जिले के जठेड़ी गांव का रहने वाला काला पिछले करीब 16 से 17 साल के दौरान आपराधिक दुनिया में तेजी से कदम बढ़ाता चला गया। हत्या, अपहरण, लूट, फिरौती, जमीन पर कब्जे जैसे कामों में लिप्त काला जठेड़ी के गैंग में सैकड़ों की संख्या में शूटर्स शामिल रहे। हरियाणा पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए उस पर इनाम भी घोषित किया था, और जब वो हाथ में नहीं आया तो राशि को बढ़ाकर 7 लाख तक कर दिया गया था। भारत से बाहर दुबई और मलेशिया में बैठकर गैंग ऑपरेट करने वाला जठेड़ी 12वीं पास है। उसने पहले केबल ऑपरेटर का काम शुरू किया लेकिन जल्द ही जुर्म की दुनिया की तरफ मुड़ गया। साल 2004 में जठेड़ी के खिलाफ झपटमारी का एक केस दर्ज हुआ था। फिर कुछ साल बाद ही हरियाणा के सांपला और फिर गोहाना में हुई कुछ हत्याओं में उसका नाम जुड़ गया। उसके बाद उसने जुर्म की इस दुनिया से मुड़कर कभी नहीं देखा। ये तो बात हुई काला जठेड़ी की, लेकिन अब बात उसकी जो काला जठेड़ी की दुल्हन बन रही है। संदीप उर्फ काला जठेड़ी संग शादी को लेकर चर्चा में आई राजस्थान की लेडी डॉन अनुराधा चौधरी की कहानी भी काफी फिल्मी है। MBA की स्टूडेंट रही अनुराधा चौधरी कभी राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की करीबी भी रही। पहले पति को छोड़कर अनुराधा की आनंदपाल के साथ प्रेम कहानी भी काफी चर्चा में थी, लेकिन अब अनुराधा काला जठेड़ी की दुल्हन बनने जा रही है। अनुराधा चौधरी राजस्थान के सीकर जिले की रहने वाली हैं। फतेहपुर के अल्फासर गांव में उसका जन्म हुआ था। बताया ये जाता है कि जब अनुराधा छोटी थी तभी उनकी मां विमला देवी का निधन हो गया। अनुराधा के पिता सरकारी नौकरी में थे। मां की मौत के बाद अनुराधा के पिता रामदेव सिंह ने उसका पालन पोषण किया। अनुराधा ने चामड़िया कॉलेज से BCA की पढ़ाई पहले पूरी की, इसके बाद MBA की पढ़ाई शुरू कर दी। अनुराधा फर्राटेदार अंग्रेजी भी बोलती हैं। कॉलेज के दौरान ही अनुराधा की दोस्ती हुई दीपक मिज से। बाद में दोनों ने शादी भी कर ली। दीपक की पत्नी के नाते ही अनुराधा को मैडम मिज का दूसरा नाम भी मिला है। शादी के बाद अनुराधा और दीपक दोनों मिलकर शेयर मार्केट में पैसे लगाने लगे, लेकिन इस दौरान अनुराधा पर करोड़ों की ठगी का आरोप लगा। फिर बाद में अनुराधा का कई अपराधों में भी नाम आया। अनुराधा के क्राइम में जाने के बाद उसके पति दीपक ने उसका साथ भी छोड़ दिया। इसके बाद अनुराधा ने पूरी तरह से क्राइम की दुनिया में एंट्री ले ली। वो कई गैंगस्टर्स के संपर्क में आ चुकी थी, उसमें से एक हिस्ट्री शीटर बलवीर बानुरा भी था। बानुरा के जरिए अनुराधा की पहचान राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल सिंह से हुई। माना जाता है कि आनंदपाल को अंग्रेजी सीखनी थी। अनुराधा ने उससे अंग्रेजी सिखाने का वादा किया। दोनों में बढ़ती नजदीकियों को देखकर दीपक मिंज ने अनुराधा से अलग होने का फैसला कर लिया था। इसके बाद 2013 में अनुराधा अपने पति से दूर भी हो गई और आनंदपाल गैंग को ज्वाइन कर लिया। इस दौरान अनुराधा पर सीकर के एक व्यापारी के अपहरण का आरोप भी लगा। पुलिस ने उस पर 5,000 रुपए का इनाम भी
घोषित किया था। अपहरण कांड से नाम जुड़ने के बावजूद अनुराधा बेखौफ होकर गैंगस्टर आनंदपाल से जेल में मिलने जाती रही। चुरू एसपी ने एसओजी और एटीएस को पत्र लिखकर कहा था कि वो रंगदारी और अपहरण की साजिशों में अनुराधा सक्रिय है। कहा जाता है कि आनंदपाल ने अनुराधा से AK-47 चलाना भी सीखा था। अनुराधा के खिलाफ अपहरण, मारपीट, जान से मारने की धमकियां देने सहित कई मुकदमे दर्ज हैं। साल 2017 में पुलिस के हाथों आनंदपाल का एनकाउंटर हो गया, जिसके बाद अनुराधा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जेल से छूटने के बाद अनुराधा दिल्ली में रहने लगी। 2018 में वो लॉरेंस गैंग के संपर्क में आई। इसके बाद उसकी मुलाकात होती है काला जठेड़ी से और तब से अब तक दोनों साथ हैं। अनुराधा भी जेल से बाहर हैं और काला जठेड़ी के परिवार के साथ रहती हैं। दोनों की शादी 12 मार्च को पुलिस सुरक्षा के बीच हो रही है। यहां बाराती से ज्यादा पुलिस ही नजर आएगी। 12 मार्च को दिल्ली में इनकी शादी के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। संदीप शादी के लिए महज 6 घंटे की जमानत पर जेल से बाहर आ रहा है। अदालत ने संदीप को शादी के लिए पैरोल दी है। अनुराधा पहले से ही जमानत पर है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।